जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम महेश है और मैं शंपा हूँ। श्री सीताराम जी की कृपा से और हमारे परिवार के बड़े जनों के आशीर्वाद से आज हम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय का श्री गणेश करने जा रहे हैं। हमने कुछ मित्रों की सहायता से श्री राम के जीवन कथा के प्रचार प्रसार करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस का हिंदी और अंग्रेजी अनुवादों के साथ एक एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है। यह एंड्रॉयड ऐप बस एक किताब की तरह नहीं है, बल्कि यह आपके गूगल अकाउंट से सिंक होकर आपको इन ऐप मेमोरी और बुकमार्क जैसी कई सुविधाएं एक मॉडर्न इंटरफेस पर उपलब्ध कराती हैं। यह ऐप मेरे छोटे भाई विष्णु को समर्पित है। इस ऐप को बनाने में हमारी सहायता करने वालों की हम आभारी हैं। हम आशा करते हैं कि इस ऐप की सहायता से आपको श्री राम के जीवन के बारे में जानकारी देने में सक्षम होंगे और आप अपने परिवार के छोटे बड़े सभी को श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। भविष्य में हमारे इस ऐप में भगवान विष्णु की और रोचक कथाओं को प्रस्तुत करने की मनोकामना है। अगर आप भी हमारे इस सफर में हमारा साथ देना चाहते हैं तो हमें आप इस ऐप के माध्यम से या मेरे ईमेल पते पर लिखकर हमें संपर्क कर सकते हैं। आइए अब इस ऐप को अपने एंड्रॉयड फोन में इंस्टॉल करने की विधि और इसकी सुविधाओं के बारे में जानते हैं। आप इस ऐप को इस QR कोड को स्कैन करके या अपने फ़ोन के ब्राउज़र पर t.ly/mvsn टाइप करके Google Play Store में जाकर अपने Android फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल होने के बाद ऐप के इंट्रो पेज पर आपको श्री राम का कुछ संगीत सुनने को मिलेगा। आप आगे जाने के लिए प्रवेश करें बटन पर टैप करें। इसके बाद आप अपने गूगल अकाउंट को चुनें। इससे आप जब दोबारा इस ऐप पर आएंगे तो यह ऐप आपको सीधे उस श्लोक पर ले जाएगी जो श्लोक आप पिछली बार ऐप बंद करने से पहले पढ़ रहे थे। ऐप में पहली बार प्रवेश करने के बाद आपको ऐप का डिफ़ॉल्ट भाषा चुनने, आपको अपना फ़ोन अपने किस हाथ से चलाना अच्छा लगता है और पढ़ने की सुविधा के लिए अक्षरों के आकार का चयन करने के लिए पूछा जाएगा। यह सेटिंग्स आप बाद में भी बदल सकेंगे। ऐप के मुख्य पृष्ठ पर आपको श्री रामचरितमानस के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। श्री रामचरितमानस को पढ़ना आरंभ करने से पहले कौन सा मंत्र उच्चारित करना चाहिए, इसकी भी जानकारी प्राप्त होगी। इसके बाद आप खंड का फिर सर्ग का चयन करें। इससे आप उस पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे जहां श्लोक जो अवधी भाषा में है और उसके हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद लिखे गए हैं। अपने प्रिय श्लोकों को आप बुकमार्क या पृष्ठ स्मृति भी बना सकते हैं और उनका संचालन भी कर सकते हैं। अगर आप कोई श्लोक ढूंढ रहे हैं तो आप इस ऐप की सर्च फंक्शनैलिटी का प्रयोग कर सकते हैं। ऐप के आभार पेज पर इस ऐप के बनाने में हमें प्रेरित और सहायता करने वालों के बारे में लिखा गया है। ऐप के वीडियो सेक्शन में श्री राम के कुछ मनोरम भजन दिए गए हैं। हमें आशा है कि आप इस ऐप के माध्यम से श्री रामचरितमानस का पठन पाठन डिजिटल फॉर्मेट में आसानी से कर सकेंगे। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम।